हाई खेत सो वेलकम टू विधांतु नीट मेड इजी आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा सो आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड और नीट के सिलेबस को कैसे मैनेज किया जाए तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना हमेशा यही पूछते रहते हो मैम कैसे करे क्या करे सिलेबस को कैसे मैनेज करे अब मेरे बोर्ड्स आ गए मेरी नीट की तैयारी छूट गई व्हाट टू डू वट नॉट टू डू सो बच्चे एक टाइम टेबल के साथ आज हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे सो ध्यान से देखना स्टेट ट्यून और अच्छे से भाई अच्छे से चीज़ों को सुनना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना सो आप देखो सबसे पहली बात हमने क्या कहा अब ये बोर्ड और नीट मुझे समझ में ही नहीं आता तुम लोगों ने इसका फोबिया क्यों बना रखा है अपने आप एक चीज बताओ क्या नीट और बोर्ड का सिलेबस से सेम है यू टेल मी नीट और बोर्ड का सिलेबस से सेम है समवेयर ये yes. अगर मैं आप बात करूं अगर मैं सीबीएसई के बच्चों की बात करू राइट सो आप हमें तो पता है नीट के सिलेबस में इतना सा नीट के सिलेबस में सब कुछ है लेकिन अगर सीबीएसई टर्म टू की बात करो तो इतना सा सिलेबस बचा है कुछ एक चैप्टर ही तो बचे हैं ऐसा तो नहीं है कि जितना नीट में आना है उतने का उतना सीबीएसई में आएगा फर्स्ट पॉइंट अगर इसके अलावा मैं किसी भी और बोर्ड की बात करूं स्टेट बोर्ड की बात करूं इवन आईसीएसई की बात करूं भाई सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है राइट right? ये चीजें पूछना अपने आप से मैंने भी पूछी थी कि इतनी क्यों दिक्कत है मैनेज करने में सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो नहीं है कि नीट में वो इलेवें का सिलेबस ही पूछ रहे हैं और पेपर तुम्हारे ट्वेल्थ के चले नो इट्स नॉट लाइक दैट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम रिमेंबर दिस अब बताओ क्या प्रिपरेशन का अप्रोच अलग है या होना चाहिए नो no. बिल्कुल नहीं अगर तुम लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट है ये अगर मुझे आज डिसाइड किया मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के एमसीक्यू सी क्यू करने तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले मुझे थेरी तो आनी चाहिए ऐसा तो नहीं है कि मुझे थेरी नहीं भी आएगी तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूंगी ऐसा तो नहीं है कि मैंने 10 साल के पी वाई क्यूज याद कर लिए है मैंने रट लिया है सब कुछ मुझे मतलब पता ही नहीं है मुझे पता ही नहीं है क्या है लेकिन मैंने सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बचो सो इफ यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू यू आर गोइंग टू रीड द थेरी एंड इफ यू पीपल आर रीडिंग द थेरी डेफिनेटली अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट एव पार्ट अगर तुमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अगर तुमने सो ये ये तो 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 so, अप्रोच तो अलग हुई ही नहीं अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोर्ड और नीट के एग्जाम हम साथ में नहीं पढ़ सकते क्लियर नहीं कर सकते क्या तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्या तुम्हारा पहला बैच है जिसने बोर्ड्स भी देने और नीट भी क्या तुम पहली बार नीट के, नीट एस्पेरेंट हो पहला कोई पेपर है नहीं बहुत बच्चों ने बहुत बार किया है कई बच्चों ने नीट बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है बोर्ड्स में उन्होंने 80 से 90 के बीच में लिए हैं कई ने बहुत ज्यादा अच्छी परसेंटेज ली है नीट में भी मैनेज किया है किया है ऑफकोर्स पिछले सालों से ये चल ही तो रहा है सो so, बोर्ड्स और नीड्स कैन बी डेफिनेटली डेफिनेटली दे कैन बी प्रिपेयर टुगेदर और सालों से ये तो रघुकुल रीत है बच्चे कर ही रहे हैं राइट सो ये तुम्हारी जो कन्फ्यूजन्स है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंडसेट की है कुछ भी अलग नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा बोर्ड पे आ जाएगा नीट में नहीं आएगा तुमने नीट पढ़ लिया तो तुम बोर्ड नहीं कर पाओगे तुमने बोर्ड पढ़ लिया तो नीट नहीं कर पाओगे इट्स टू नॉट लाइक दैट These days, जो तुम्हारा नीट का पैटर्न है स्ट्रिक्टी एंड -E सिर्फ तुमको लिखना है सब्जेक्टिव है राइट right? यहां तुमको एमसी क्यू मार्क करने हैं तो अगर एक चैप्टर पढ़ा है वहां पर भी आंसर कर पाओगे क्यों घबराते हो चलो अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देखते हैं अगर तुमने अभी तक नीट का सिलेबस नहीं पढ़ा अगर तुमने अभी तक नीट की किताब नहीं खोली नीट का देखा ही नहीं है भाई नीट प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम दो या अभी अभी जागे अभी भी शुरू किया है जो चैप्टर तुम्हारे टर्म टू में आने वाले हैं उन चैप्टर्स के साथ शुरुआत करो अगर मुझे बायो पढ़नी है आज मुझे मैंने डिसाइड कर लिया मैंने बायो ना नीट के लिए पढ़नी है मैं नीट के लिए बायो तैयार कर रही हूँ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैंने शुरू हो गई माइक्रोब्स वाले चैप्टर से राइट right, मैंने माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर कर लिया कल मैंने एंड पॉपुलेशन को उठा लिया मैंने को पहले कर लिया मैंने बायोटेक लिया, लिया, right? लिया, लिया कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सो आई प्रिपेयर दीज चैप्टर्स इन वे कि मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करू और जब मैंने थ्योरी पढ़ी मैं सब्जेक्टिव तो कर ही लूंगी सो so सबसे पहले उठाओ ना वो चैप्टर्स जो टर्म टू में आएंगे राइट right? इस टाइम पर एज फॉर माई नॉलेज तुम्हारे प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए और अगर प्रैक्टिकल्स है भी हैं तो अब तक तुमने फाइलें बना ली होंगी तुम्हें सिर्फ जाके जो तुम्हें आता है तुम्हें वो बताना है सो so, प्रैक्टिकल्स वाला फंडा अपने दिमाग से निकाल दो राइट सो so, इस टाइम पे यू पीपल आर हैविंग टाइम जो बच्चे बोर्ड्स में है जो ड्रॉपर्स है दे दे आर टोटली फ्री राइट उनके लिए तो ये कंसेप्ट ही नहीं आता जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दिस टाइम यू आर फ्री कम से कम तीन तीन घंटे अपने हर सब्जेक्ट को हर दिन दो तीन तीन घंटे अपने हर सब्जेक्ट को दो जब शॉर्ट नोट्स बनाओ छोटी छोटी रिविजन के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो जब तुम शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाओगे तुम अपने सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे रिमेंबर दिस थिंग और यस yes, एमसीक्यू प्रैक्टिस मत छोड़ना स्टिल हैव टाइम वो भी बताऊंगी मत छोड़ना, डू प्रैक्टिस एमसीक्यू एज मच एज यू कैन दिन में तीन तीन घंटे कम से कम अपने हर सब्जेक्ट को दो अब आज जाओ जिन बच्चों को लगता है कि हमने फोर्टी फिफ्टी परसेंट सिलेबस कर लिया अब क्या करें देखो तुम्हें मैं यही सजेस्ट करूंगी तुम्हारे लिए मेरा डायरेक्ट सजेशन यही रहेगा कि तुम लोग क्या करो तुम लोग

नीट को भी तुम टाइम दे रहे हो तुम चैप्टर ट्वेल्थ के ही मार्क कर लो ना जाओ इलेवेंथ में अगर इलेवेंथ कन्फ्यूज कर रहा है या टेंशन हो रही है एंग्जाइटी हो रही है कि नहीं मैं इलेवंथ पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है ट्वेल्थ छूट ट्वेल्थ के ही टॉपिक्स कर लो ट्वेल्थ को ही अच्छे से तैयार कर लो किसने रोका है सो दिसम यू हैव टू डू दिस यू डोट हैनी अदर ऑप्शन तुमको करना पड़ेगा राइट right. सो so, इस टाइम पे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो बैठो दो दो घंटे नीट के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए दो फिर बोर्ड्स के लिए सिलेबस फाइनलाइज कर लो इस दिन ये एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करना है एमसीक्यू एमसी क्यू प्रैक्टिस रिविजन साथ के साथ बोर्ड एग्जाम्स की होती रहेगी और जिन बच्चों ने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तुम बच्चे मैक्सिमम एमसीक्यूज करो तुम एमसीक्यूज को मत छोड़ो तुमने चैप्टर रिवाइज करना है तुमने उठाई एनसीआरटी तुमने अपने नोट्स उठाए तुमने एनसीआरटी की एक बार पूरी की पूरी समरी पढ़ी

तुम बोलोगे मैम कहना आसान है करना नहीं आ जाओ यहाँ पे कैलेंडर दो हजार बाईस का है ठीक है ये है तुम्हारी द, टर्म टू की डेट शीट यही है टर्म टू की डेट शीट क्या कह रही है टर्म टू की डेट शीट कह रही है सात मई को केमिस्ट्री है ठीक है आ जाओ यहाँ पर ये काम जो मैं खुद करती थी पढ़ने पढ़ने टाइम ना जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग ये काम करते थे ये तुम्हारे लिए सात मई को केमिस्ट्री है यहाँ ये लिख लिया मैंने ओहो सीरियसली सैटरडे को तुम्हारी केमिस्ट्री है आ जाओ यहाँ पे फिर है तेरह मई को इंग्लिश ठीक है जी बीस को है मेरा फिजिक्स का पेपर उसके बाद तीस को है मेरा बायोलॉजी का पेपर कई बच्चे कॉमन दोनों सब्जेक्ट चूज करते हैं यहाँ है तुम्हारा मैथ्स का पेपर ये ये मैंने मार्क कर लिया महीना कौन सा चला है मार्च महीना कौन सा चला है मार्च ठीक है रफली बीस तक भूल जाओ हम संडे तक पढ़ाई नहीं करेंगे हम संडे तक पढ़ाई नहीं करेंगे हमारा संडे तो निकल गया आ जाओ भाई कहीं ना कहीं ये दस दिन बचे हैं ये पूरा एक महीना बचा है चालीस दिन है ये चालीस दिन है तुम्हारे पास बीस फोर्टी डेज दे आर देर और यहाँ पे अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं मई के महीने में बोर्ड के एग्जाम्स का खौफ अगर तुम्हारा शुरू होगा सो तो एक से लेके सात तक भी तो तुम्हारे पास टाइम है ये जो चालीस दिन है अगर इन चालीस दिन में तुम अपना नीट को भी फोकस करो कैसे तुम टर्म टू के वो चैप्टर्स उठा लो जो नीट में आने हैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो लेकिन अगर तुमने जैसा मैंने कहा अगर तुमने फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट सिलेबस किया या तुमने कुछ भी नहीं किया है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया सिर्फ टर्म टू पे फोकस कर लो इस टाइम पे इंडीड टर्म टू पे फोकस कर लो साथ में अगर तुम्हारा थोड़ा सा स्कोप बनता है टर्म वन

अगर तुम्हें बोर्ड्स की इक्वल टेंशन है केमिस्ट्री का पेपर है बैठ जाओ संडे फर्स्ट मई को केमिस्ट्री के लिए एक से लेके सात दिन तक क्या केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स को तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे क्या इन सात दिनों में आई एम प्रिटिश श्योर एक एक बार तो तुमने एक बार चैप्टर देखा होगा क्या छह दिन सात दिन ही छह दिन कम है केमिस्ट्री के टर्म टू के प्रिपरेशन के लिए क्या छह दिन कम है आस्क्योर सेल्फ दिस अब तेरह मई को इंग्लिश है कितना टाइम आ गया बीच में पांच दिन आ गए छोड़ना मत इंग्लिश को परसेंटेज गिराती है मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश को छोड़ देना परसेंटेज गिराती है बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश को पढ़ना इंग्लिश को हर दिन पढ़ना यह भी मत सोचना कि मैं लास्ट के दो दिन में इंग्लिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी नहीं इंग्लिश परसेंटेज गिराता है तुम लोगों का सो so, इंग्लिश को हर दिन पढ़ना लेकिन पूरा दिन तुम इंग्लिश पढ़ोगे नहीं बचे हुए टाइम पे अपनी फिजिक्स को जोर देना राइट right. अगला पेपर भी फिजिक्स का है इस टाइम पीरियड पे अगर तुमने फिजिक्स के वो चैप्टर एक बार भी नहीं किए हैं तो वो वहां से शुरू करना इस टाइम पीरियड में दिन में तीन तीन घंटे रोज फिजिक्स को देना अगर लगेगा बोर हो रहे हो बायो के या केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करो इट्स प्योरली अप टू यू फिजिक्स को जरूर टाइम देना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सेलेक्शन करवाएंगी एक नहीं आ जाओ चौदह से लेके बीस तक बच्चे कितने दिन हो गए एक दो तीन चार पाँच छ छ दिन बायो भाई बहुत आराम से छ दिन है बायो के लिए दिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनिजम एंड पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी यही चैप्टर है बायोटेक के अगर एक एक दिन भी एक एक चैप्टर करो बायोटेक को चलो एक दिन में दो कर लेना करोगे तब भी क्लियर कर लोगे अगर उसी दिन वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे उसी दिन उस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे एक एक दिन में एक चैप्टर भी बहुत है एम प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर सकते हो और जिसने सिस्टमैटिक वे से पहले नोट्स बनाए हैं वो बच्चा तीन दिन में ये सिलेबस कवर कर सकता है बचे हुए तीन दिन में तुम चाहो तो टर्म वन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तुम चाहो तो फिजिक्स को प्रैक्टिस कर लो तुम चाहो तो केमिस्ट्री को प्रैक्टिस कर लो राइट थर्टीन टू ट्वेंटी अच्छा ये मैंने बायो वाला उठा दिया थर्टीन टू ट्वेंटी ये तुम्हारा फिजिक्स है राइट right, ये तुम्हारा फिजिक्स है सो तो तुम इतने दिनों में भी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आराम से कर सकते हो राइट right, फिजिक्स को आराम से कर सकते हो मैंने तुम्हें कहा इंग्लिश वाले टाइम में भी कर लेना और बीस से तीस डायरेक्ट दस दिन बायोलॉजी के दस दिन बायोलॉजी के इस इस गैप में इस दस दिन के गैप में करोगे ही करोगे तुम टर्म के ट्वेल्थ के को कर सकते हो सो so, जो बच्चे इस डर में हैं कि मैम इस टाइम पे इलेवेंथ पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन इलेवंथ पढ़ नहीं पा रहे डर लग रहा है दस दिन है दस दिन इलेवेंथ के कुछ एक टॉपिक्स इन चालीस दिनों में अप्रैल से लेके पेपर शुरू होने तक ये मार्च के दस दिन और अप्रैल में चाहो इलेवेंथ पे फोकस कर लो कुछ एक इलेवेंथ के टॉपिक कर लो अगर तुम कर रहे हो और इन दस दिनों में स्ट्रिक्टली अगर तुम ये वाले चैप्टर्स भी करते हो यू विल बी एबल टू डू दैट दैट आई कैन इसी चैनल पे वीडियोस है तुम्हारे टॉपिक्स पूरा करने के लिए एक दिन में एक चैप्टर भी करोगे टर्म टू के लिए आराम से मैनेज कर लोगे बहुत आराम से मैनेज कर लोगे डर निकालो यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत बच्चों ने यह किया है प्रूव किया है खुद को फोकस ऑन दिस थिंग अब आगे ठीक है जी तुम्हारा तीस के बाद दो जून को फिजिकल एडुकेशन आराम से निकाल लोगे जिनका मैथ्स भी है जिनका मैथ्स भी है तुम्हारे पास फिर भी सफिशियंट टाइम बचता है मैथ्स वालों मैथ्स वालो साथ के साथ तुमने एक्स्ट्रा पंगा लिया है मैंने भी मैथ्स पढ़ा है ट्वेल्थ में मैथ्स को तो तुम इंग्लिश के बीच में फिजिक्स तैयार है तो वहाँ प्रैक्टिस कर लेना उससे पहले कभी कभार बीच में बोर हो रहे हो मैथ्स प्रैक्टिस कर लेना सो तुम मैनेज कर सकते हो तुम बेवजह डर रहे हो चालीस दिन हैं अभी भी तुम्हारे पास जिसमें तुम चाहो अगर तुमने एक बार पढ़ा है तुम चाहो तो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चे बस इट्स जस्ट दैट तुमको करना है और मैंने यहाँ पे एक रफ टारगेट लिया है पंद्रह जुलाई कि नीट की डेट है पंद्रह जुलाई पंद्रह जुलाई को नीट का पेपर है ये मैंने माना है तब भी तुम्हारे पास एक महीने से ज्यादा समय है तुम्हारी इलेवेंथ तुम्हारे ट्वेल्थ को रिवाइज और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए एक महीने से ज्यादा समय है अगर मैं पंद्रह जुलाई लेके चलती हूँ रफली एक टेंटेटिव डेट तुम्हारे नीट की और हमें भी पता है कम कही कहीं ना कहीं ये जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में जाएगा सो तो अगर आप फिफ्टींथ जुलाई को एक लास्ट डेट मान मान लो तब भी तुम्हारे पास बहुत समय बचता है तभी ये कैलेंडर ऐड करवाया है राइट right. चालीस दिन ये तुम तैयारी कर सको सो so, डर से बाहर आओ तैयारी शुरू कर दो हर दिन तीन तीन घंटे एक एक सब्जेक्ट को जरूर देना मैं कभी नहीं बोलती नौ से लेके दस तक ऐसे पढ़ो दस से बारह तक ऐसे पढ़ो नेवर टारगेट सेट करो टारगेट पूरा करो तुम्हें पता है तुम नॉक्टर्नल हो या डायर्नल हो फिक्स्ड रूटीन रखनी है कहीं भी किसी भी पेपर के पिछले दिन आप ऊपर नीचे चलता है लेकिन कहीं भी किसी भी दिन छह घंटे से कम की स्लीप नहीं लेनी नेवर एवर मिनिमम सिक्स आवर्स फॉर श्योर तुम्हें इतनी नींद लेनी ही लेनी है टारगेट टेबल सेट करो कि मैं इतना पूरा करूंगा इतना दिस इज वॉट यू हैव टू डू सो जितना मैं तुम्हें एज अ स्टूडेंट के लेवल पर अगर मैं होती मैं ऐसे ही कैलेंडर रखती दिन मार्क करती अपने डे डिसाइड कर लेती कि इन 40 दिनों में मुझे बैठ के ये 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 ये, ये टॉपिक्स कर रहे हैं ऐसे ऐसे मेरी स्ट्रैटेजी होगी मुझे पता है मैंने बोर्ड में यहाँ कमी रखी है मैं इन चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दूंगी मैं दूसरे चैप्टर्स को कम राइट सो so, यहाँ देखो नंबर ऑफ चैप्टर्स को रिमेनिंग डेज में डिवाइड करो सो so, 11th और 12th को भी मिलाऊं तो 97 चैप्टर्स है, राइट right? फिजिक्स के टोटल 29 है केमिस्ट्री के 30 है बायो के 38 चैप्टर्स है तुम्हारे राइट right? फिजिक्स के 29 है केमिस्ट्री के 30 है बायो के टोटल 38 चैप्टर्स हैं तुम लोगों के सो so, अगर तुम लोग एक चैप्टर को एक दिन भी दोगे ना पूरा कर लोगे अगर एक चैप्टर को एक दिन भी दोगे स्टिल यू पीपल हैव टाइम स्टिल यू पीपल हैव टाइम ये चालीस चालीस दिन भी रखोगे तब भी मैनेज कर लोगे यू हैव टाइम राइट सो सिलेबस शुड बी बीटेड इन अराउंड अराउंडी टू फिफ्टी डेज मैक्स एंड यू कैन डू इट संडे को रखो अपनी क्विक की मुझे बस रिवाइज रिवाइज करना करना है है करना है मुझे प्रैक्टिस करनी जब मन करेगा टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देना हमेशा कहती हूँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सो इलेवंथ और ट्वेल्थ को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए भी तुम इलेवें अपना बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो मार्क कर लो अपने दिनों को अपने आप को एनालाइज करो खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो देखो क्या क्या छोड़ा है क्या क्या बचा है कितने टॉपिक आते हैं टर्म टू पे अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है टर्म टू से शुरुआत करो यू हैव टाइम यू विल बी एबल टू मैनेज वो टर्म टू ऐसे पढ़ना कि उसके बाद ऐसा लगे कि ये चैप्टर इतने सही से आता है कोई एमसीक्यू पूछ ले कर लेंगे कोई हमसे पूछ ले हम कर लेंगे करना तुम लोगों को है एंड वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज राइट बच्चे एक बार बोर्ड से पहले एक बार तुम अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो एटलीस्ट यू कैन गो विद द इंपॉर्टेंट डेज राइट सो जो टर्म टू के बीच में जो तुम्हारे पास गैप्स है छुट्टियां हैं वो टर्म टू को टर्म टू को अच्छे से करने के लिए बहुत है नोट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने की भी ट्राई कर सकते हो राइट सो so, अगर तुम्हें सारा सिलेबस नहीं हो रहा जो गो विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स गो विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं राइट तुम्हारे साथ पहले भी एक वीडियो शेयर किया था कि अगर तुम ये चैप्टर्स कर लो तुम अपना 85% बायो का सिलेबस संभाल पाओगे मॉल बेसिस उठा लो राइट उठा लो एक एक्स्ट्रा चैप्टर कर लो मान लो ये भी टर्म में है बायोटेक तो है ही सेल साइकिल सेल डिवीजन बायोटेक सेल है बच्चे अनाटमी स्ट्रक्चरल यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें से भी अगर मैं जो मैं सजेस्ट करूं अभी के लिए मॉलिक्यूलर बायोटेक राइट बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट मैं ट्वेल्थ को मार्क कर रही हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल यहां इंक्लूड कर लेना बच्चे तुम्हारा इकोसिस्टम यहां इंक्लूड कर लेना एक्स्ट्रा है आई नो दैट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को कर लेना कम से कम इतना तो करो कम से कम ये टॉपिक्स तो कंप्लीट करो और उसके अलावा सेल और सेल डिवीजन ये भी तुम आराम से इन दिनों में कर सकते हो मैंने बाकी के चैप्टर्स में भी तुम्हें छोड़ दिया लेकिन स्टार्ट करो राइट टाइम वेस्ट मत करो और अगर अभी भी कंफ्यूज्ड हो तुम्हारे मैंने तुम्हें बता दिया स्टिल यू पीपल हैव हाँ टाइम और टाइम है राइट रिवाइज भी कर सकते हो रिवीजन भी नीट की तैयारी भी और बोर्ड्स भी बोर्ड्स में बहुत छुट्टियां मिली हैं तुम्हें दिल खोल के छुट्टियां मिली हैं राइट सो नया बैच इक्कीस मार्च से शुरू हो रहा है लेट मत करना बच्चों जितनी जल्दी हो सके बैच ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है लिंक पे क्लिक करो राइट right? कूपन कोड लगाते हो अगर तुम मेरा तुम सीधा मेरी क्लासेस में आओगे बाकी के भी जो एडुकेटर्स हैं तुम्हें वही मिलेंगे राइट right? बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी करवा रहे हैं मेक श्योर कर रहे हैं sure कर रहे है कि तुम हर एक क्लास तुम्हारे लिए इतनी प्रोडक्टिव रहे कि वो चैप्टर सीधा तुम्हारे दिमाग में रहे क्योंकि उसी क्लास में खुश भी प्रैक्टिस होगा मॉक टेस्ट भी असाइनमेंट्स है, भी हैं सो so, आप बच्चे जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स सोचना बंद करो डिसाइड कर लो कि बस मैंने सोच लिया इतने इतने दिन है आई एम गोइंग टू डिवाइड माई डेज मैं टारगेट वाइज डिवाइड करूं एंड आई एम गोइंग टू डू दैट दिस इज वॉट यू हैव टू डू सो ऑल द बेस्ट टेक केयर वी आर ऑलवेज विद यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है You can be the part of our batch, karma batch, and trust me, you are not going to regret. You people will get the quality education, or itna kam sirf right? So all the best. Take care.